स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल नेचर केयर प्लस में। दोस्तों जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के अंदर हमारा चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा सन टैन यानी कालापन आ जाता है। चेहरे के लिए तो हम काफ़ी ज़्यादा उपाय करते हैं और ट्रीटमेंट्स करते हैं अपने चेहरे को सन टैन से बचाने के लिए और अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, लेकिन जो हमारे हाथ पैर है वो अक्सर सन टैन की चपेट में आ जाते हैं। हमारे हाथ पैरों पर कालापन की परत जम जाती है जिससे कि वो बद्दे दिखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज के इस नुस्खे में, मैं आपको ऐसा घरेलू होममेड तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके हाथ पैर पे जितना भी कालापन होगा वो दूर होगा और आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा गोरे होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हम एक खाली कटोरी लेंगे और उसके साथ हम एक नींबू को लेंगे और उसको दो भागों में काट लेंगे। हमें यहाँ पर पूरे नींबू का रस की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम एक ताज़ा रसीला नींबू लेंगे। अब हम इसका रस निकालेंगे। रस निकालने के लिए दोस्तों हम एक छलनी का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसके जितने भी बीज वगैरह होंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ पर इस पूरे नींबू के रस को हम निचोड़ेंगे। हमने आधा नींबू का रस निकाल लिया और अब हम आधे बचे नींबू का रस भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमने पूरा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ लिया है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा नींबू का रस हमने निकाल लिया है। अब इसके साथ हम लेंगे एक टमाटर का रस। तो हम यहाँ पर एक साबुत टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और इसका भी हम रस निकालेंगे। दोस्तों टमाटर के अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे चेहरे पे कालेपन की परत को दूर करते हैं, हमारे चेहरे के ओपन पोर्स में जाकर ये मेल और गंदगी को निकालते हैं और नींबू भी यही काम करता है। तो इसलिए हम दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें जिस तरह से हमने नींबू को निचोड़ा था उसी तरीके से हम इस टमाटर के रस को निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसका भी हमें पूरे टमाटर का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी रस होगा वो इसके अंदर निकल जाएगा। और ये अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लिया है। तो अब ये सारा रस इसका निकल चुका है और ये हमारे पास पूरा साबुत रस हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके अंदर तीसरी चीज़ डालेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, वो है हमारे पास इनो। इनो का इस्तेमाल आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ में होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनो का इस्तेमाल कभी भी अपने चेहरे पर ना करें। इनो का इस्तेमाल आप अपने कोहनी पर, अपने हाथ पैरों पर, घुटनों पर कर सकते हैं, चाहे तो आप गर्दन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी आप चेहरे पर ना कीजिएगा। दोस्तों इनो हमारे जो कालेपन की जो परत होती है उसको निकालेगा और हमारे जो हाथ पैर है उनको इंस्टेंट गोरापन देने का काम करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको लगाना कैसे है। जब इसके झाग निकल रहे हो तभी आपको इस नुस्खे को अपनी स्किन पर लगाना है, अपने हाथ पैरों पर लगाना है। आपको इस तरीके से इसको लेना है और अपने हाथ पैरों पर इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। दोस्तों इसको लगाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है करीब 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा साफ़ पानी से। दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सप्ताह में सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि पहले इस्तेमाल से ही आपके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा आपको गोरे देखने को मिलेंगे। और इसका इस्तेमाल आपको सेंसिटिव स्किन पर बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि चेहरे की स्किन या फिर कहीं और। आप सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने हाथ पैरों पर, कोहनी पर, घुटनों पर ही कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेचर केयर प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।